थिएटर के बाद मैं ज़्यादातर टेलीविजन पे काम किया है. सी आई लाइक टू डू माय बेस्ट व्हाट एवर आई एम डूइंग, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो चाहे छोटी स्क्रीन हो. पहले तो नू जानना है मुझे, टाइम कब मिल गया तुझे? आपको मैं एक इंटरव्यू देख पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा है दैट ऑल्दो आई हैव डन अ फेयर बिट ऑफ इंटरेस्टिंग रोल्स दैट आई कुड नॉट फुलफिल माय पोटेंशियल लैकिंग नेटवर्किंग स्किल्स. ये आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने अभी एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट है, मैं उनसे भी आने से पहले मैं उनसे बात कर रहा था, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं ये इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूँ और आप बताइए कुछ उनके बारे में क्या उनसे पूछा जा सकता है. तो उन्होंने एक बात यही कही कि दैट शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस एंड उनका ग्राफ जो है कुछ समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ शबाना आज़मी होना चाहिए था. और लेकिन ये है कि दैट बिकॉज जितना उनका पास टैलेंट है, जितना उन्होंने फिनोमिनल काम किया हुआ है, उतना चीज़ जो है अब तक उनको एजाज़ उनको जो बख्शना होना चाहिए वो नहीं मिला है. आप हाउ डू रिएक्ट टू दैट मैम? Yeah, I would say it's true and it's partly true because एक तो सिनारियो अब बदला है, पहले कुछ और होता था. तो पहले वो छोटे छोटे वो होते थे, यू नो लाइक लिटिल अपीयरेंसेस. तो इसलिए आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड. और मैं थिएटर की हूँ तो मैंने थिएटर में ही अपना अपना वो दिल भर लिया है अच्छे अच्छे रोल्स करके. तो मुझे वो इतनी भूख भी नहीं थी कि मुझे कुछ करना ही है फिल्मों में. I moved to Bombay for other reasons, not actually to do any films वगैरह. तो by the way, I started working on television. वहाँ कुछ ठीक ठाक roles मिले मुझे. जैसे I started with बनेगी अपनी बात, then there were a couple of other things. और बीच में बालिका वधु happened. That was for 7-8 years. तो I feel fulfilled that I have. You see, I like to do my best, whatever I am doing. चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो चाहे छोटी स्क्रीन हो, मगर फिर भी एक रह जाता है. And that is because, as you say, my networking skills are not very finely honed. नहीं, ये आप आपने याद है, आपने कहा. हाँ, मैंने ही कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बाजी और उस तरह का वो मुझसे हो नहीं पाता है. अगर because people know me, if they think I am capable of something, they'll offer it to me. It's so simple. But television वाले ज़्यादा approach करते थे तो फिर आई उससे, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा रोल है, why not? Right. लेकिन आपने कभी उस तरीके से आपने नहीं देखा कि that ये in a way it's like an inferior medium? Not at all. It's not an inferior medium. Right. You know, it's a very powerful medium. Right. बात सिर्फ ये है कि जो करने वाले हैं उनका attitude थोड़ा वैसा रहता है कि मतलब 100% नहीं देते हैं जी. उनको लगता है कि अरे यार ये डेली सोप है, कुछ तो होता ही रहता है. दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड. यू कैन डू वंडर्स बिकॉज आफ्टर ऑल द स्टोरी इज देयर, द कैरेक्टर्स आर देयर, द फ्रेम इज देयर. एब्सोल्युटली. वो एक चीज़ जो है अपने अंदर जगा के रखो, काम करने की जो एक तमीज़ होती है, और उसमें 100% देना ही चाहिए कोई भी काम हो. राइट. Like I read an article कि Zen and the actor. Correct. उसमें एक छोटा सा वो था कि even if you are cutting vegetables, even if you are peeling a potato, वो भी आप सही ढंग से कीजिए. मामूली से मामूली काम जी, जहाँ तक हो सके सलीके से तमीज से कीजिए.